नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भारत और शेख हसीना को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है खालिदा जिया ने, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को लेकर फैली अशांति के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के भारत चली आई और फिलहाल वो यही है। इसे लेकर के उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी भारत पर भड़क गई। पार्टी ने यह कहा है कि अगर भारत शेख हसीना की मदद करेगा तो उससे सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बता दें आपको कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रह चुके ज्ञानेश्वर रॉय ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक सहयोग का जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके के सहयोग भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का करता रहता है, ऐसे में ये अब मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारत ने शेख हसीना के सत्ता में दोबारा वापसी का समर्थन किया था। शेख हसीना को भारत ढो रहा है। भारत और बांग्लादेश के लोगों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भारत को पूरे देश की जगह एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए? हालांकि शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने हाल ही में यह भी कहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होते ही उनकी मां यानी कि शेख हसीना वापस अपने वतन लौट जाएंगी। बांग्लादेश से भागने के बाद शेख हसीना का कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। अब तक वो मीडिया के सामने नहीं आई है और उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। हालांकि उनके बेटे सजीव वाजिद लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई है। साथ ही उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की मांग की है। बता दें आपको कि गुरुवार शाम को बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद यूनुस ने यह भी कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और उसका समर्थन करूंगा, उसका संरक्षण करूंगा। और आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में 16 लोग शामिल हैं जिसमें हसीना के विरोधी छात्र भी हैं जिन्होंने शेख हसीना का विरोध किया था, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोनों ही छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी हैं। दोनों ही छात्र नेता बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश को अंतरिम सरकार का मुखिया चुने जाने पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और स्थिति जल्द से जल्द सामान्य होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने की खातिर बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हुए नजर आ रहे अपने सोशल मीडिया एक्स के साइट पर और उन्होंने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को पदभार संभालने पर उन्हें बधाई भी दी है। और भी सी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।